वर्णन से हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत अंतर्गत श्री रथा का प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। तो अभी तक हम ये श्रवण किए थे कि जब श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत से अभी निराचल क्षेत्र में रहना प्रारंभ किए, गजपति महाराज का महाप्रभु दर्शन करने के लिए अभिलाष उत्पन्न हुआ, किंतु गजपति महाराज राजा है और श्रीमन महाप्रभु सन्यासी व्रत का पालन कर रहे हैं। यद्यपि परम स्वतंत्र है किंतु सन्यासी आश्रम का उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने सन्यासी दंड धारण करते हुए सन्यासी व्रत का पालन कर रहे, किंतु अभिलाष हुआ प्रताप रुद्रदेव का भगवत दर्शन के लिए। तो अभी हुआ क्या ना, महाप्रभु किसी भी उपाय में दर्शन नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि सन्यासियों के लिए विषय को दर्शन करना वारण है, मना है। किंतु ये अनुरागी भक्त कौन? प्रताप रुद्रदेव। तो बार बार चिट्ठी लिख रहे किसके पास? ना सार्वभौम भट्टाचार्य के पास। बोले किसी भी उपाय में मैं क्या करूं ना महाप्रभु का दर्शन करा दो। कोई भी जितने भी श्रीमन महाप्रभु के भक्तवृंद थे, गौर भक्तगण, किसी का भी इतना साहस नहीं कि महाप्रभु जाकर बोलेंगे कि क्या करो आप एक बार दर्शन दे दो। तो इसी समय में ये सार्वभौम भट्टाचार्य की एक बार इच्छा हो रहा है, सारी सारी भक्तवृंद को जाकर ये पत्र दिखा के देखो राजा ने इस प्रकार बोल रहा है कि अगर ये महाप्रभु दर्शन ना करेगा तो क्या करेंगे, जाके ना जोगी बन जाएंगे, अर्थात राज सिंहासन को परित्याग करके भिखारी बन जाएंगे। तो सारी सारी भक्त लोगों की चिंता कर रहे कि अभी क्या किया जाए। एक तो महाप्रभु चाहते हैं कि मैं दर्शन ना दूं, इधर भक्त का इच्छा है क्या करूं ना मैं दर्शन क्या मैंने करूं। तो जब जब भी भगवान और भक्त के बीच युद्ध लगता है, सब समय कौन जीते है, भगवान या भक्त? भक्त जीतते हैं। तो आगे भी यही बात होगा जाके कि महाप्रभु अपनी जो इच्छा प्रकट की कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये बात कभी होगा नहीं, भक्त ही जीतेंगे। हमारे शिक्षक रूपा एक बढ़िया बात बताते है, बोले जब जब भी देखो भगवान के क्या युद्ध होता है, भक्त और भगवान है, भगवान ही सर समय हारते, इसी पराजय में उनका क्या है, बड़ा आनंद उनको प्राप्त हुआ है। भगवान को सब चोर बोलते हैं, चोर बोलते हैं कि नहीं, जगत के जगत में किसी को चोर बोला अच्छा लगे ना? नहीं। किंतु भगवान भक्त के लिए बोलेंगे हाँ मैं चोर, हाँ ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांग नानुकूल चोरम अनेक जनवार पाप चोरम चराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। अरे ऐसे पैसे चोर नहीं, कैसे ना अग्रगण्य चोर, अर्थात जितने भी चोर है उनमें से अगर जो टॉप लेवल का चोर है वो कौन होंगे, भगवान है। भक्त के लिए चोर को नाम को एक बार नहीं कई बार भी हम खीरचोरा गोपीनाथ की प्रसंग भी सुनो, वहां भी क्या किए स्वीकार किए। कोई योद्धा अगर रण क्षेत्र को छोड़ के चला जाए उसको वीर कहा जाता है? नहीं कहा जाता, किंतु फिर भी भगवान के नाम पे पड़ गया रण छोड़ भगवान, रण छोड़ के चले गए फिर भी वो भगवान है। इसी प्रकार अब महाभारत युद्ध में देखो भगवान बोलते थे क्या कि अस्त्र धारण नहीं करूंगा कभी भी, किंतु भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा हो गया कि अरे हाँ भगवान अस्त्र धारण नहीं करेंगे, और भगवान को अस्त्र धारण ना करो तो मैं भी शांतनु तो नहीं हूँ। फिर भगवान को क्या करना पड़ा, अपने संकल्प को हाँ त्याग करना पड़ा। तो शिक्षक रूपा को भी इसमें बढ़िया के बात बताते हैं, जब कृष्ण अभी अपनी संकल्प को तोड़ दिए और क्या किए, वही उठा दिए थे किसको मारने के लिए, भीष्म पितामह को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पितामह का तो जय हो गया और कृष्ण की संकल्प भंग हुआ। तो इसी उपाय में भगवान उसमें हार जाते हैं और भक्त क्या हो जाता है, जय जयकारा हो जाता है उनका। तो इसी समय वहां क्या हुआ, एक अद्भुत हम जगन्नाथ जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। तो जगन्नाथपुरी में एक बड़ा हल्ला मच गया, बोले क्यों, बोले हिमालय से के बाबा जी वो दंडवत प्रणाम करते करते आगे श्री निराचल क्षेत्र की ओर किसका दर्शन करने के लिए, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। क्यों, बोले इतने दिन का जो तपस्या
योग साधन का जो गौर से उनको ये पता चला कि साक्षात रूप इसी कलयुग में परम ब्रह्म परात्पर भगवान जो साक्षात रूप में निराद्रि से निराद्रि विहार निराद्रि कंदर में विराजमान कर रहे उनका दर्शन अगर कर लिए तो ब्रह्म का दर्शन हो गया, भगवत का दर्शन हो गया। इसी अभिलाष क्रम से दंडवती बाबा भी उनका नाम पड़ गया। वो कहां से आ रहे थे? ना हिमालय से, दंडवत प्रणाम करते करते आ रहे निराचल क्षेत्र में। चारों तरफ हल्ला मच गया कि अरे कोई इतना बड़ा साधक अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कहां आ रहे? निराचल क्षेत्र की ओर। तो राजा जी को भी पता चला, राजा बड़ा अच्छे से तोरण फोरण सजावट के मंदिर को सजावट हुआ और वही समय आखिर में उपस्थित हुआ बाबा दंडवत करते करते जो भगवान के जो चार द्वार है, जो प्रमुख द्वार सिंह द्वार में जो प्रवेश कर रहे थे, ठीक उस समय भगवान की इच्छा किया हम तो अभी 2000 किलोमीटर ट्रेन में जाने के लिए भी लोग अगर बोलो कोई जाए जा रहे हाँ दिसंबर में हम लोग प्रोग्राम बना रहे जिन जिन को जाना है पहला का रजिस्ट्रेशन कर लेना पूरी जगन्नाथ क्षेत्र के लिए 7 दिन के लिए या इस प्रकार देखेंगे हम लोग व्यवस्था बना रहे पहले तो निमंत्रण रहा और फ्लाइट में भी तो इसी प्रकार स्थिति 2 घंटे के टाइम में फिर भी जाने के लिए इच्छा नहीं और किंतु बाबा कहाँ से आ रहे हिमालय क्षेत्र से और फिर दंडवत करते करते साधनवाद तो नहीं हाँ तो इसी प्रकार स्थिति में जब सिंह द्वार में प्रवेश करने जा रहे थे हठात भगवान की क्या इच्छा हुआ पता नहीं अपने आप क्या हो गया सिंह द्वार बंद हो गए। बाबरे लोग तो इतने उस चार से दर्शन कर रहे थे बाबा इतने दूर से आया जब भगवत दर्शन हुआ जीव का भगवान के साथ मिलन हुआ किंतु हठात भगवान की क्या इच्छा हुआ दरवाजा बंद हो गए। बोले सब आश्चर्यचकित क्या हुआ क्या हुआ। बाबा भी बड़ा ऊपर बैठ गया बोला अच्छा पता चल गया कि जगन्नाथ जी दर्शन देना नहीं चाहते। अभी पंडाओं को भगवान स्वप्नादय सिंह देते बोले देखो वो जब बाबा आ गए ना उनको मैं दर्शन बिल्कुल नहीं दूंगा। पंडा लोग आगे बोलते कि प्रभु हे महाराज जी भगवान की स्वप्नादय हुआ है वो कभी आपको दर्शन नहीं देंगे। बाबा बोला अरे भैया इतना दिन का मेरा योग साधन का बल है सारी सारे अध्ययन किया इतना तपस्या तप आचरण किया आज वो पता चला कि भगवान यहाँ में विराजमान है उनके दर्शन के लिए आया जी वही भगवान चाहते नहीं दर्शन देने के लिए इसका कारण क्या है अगर मुझे पता ना चले मैं भी यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। ये भी पूरा बैठ गए संकल्प करके सिंह द्वार के सामने बोले जब तक जगन्नाथ जी दर्शन ना देंगे मैं भी अन्न जल इत्यादि ग्रहण नहीं करूंगा। अभी होगा क्या भगवान की संकल्प दर्शन नहीं दूंगा ये बोले कि अगर दर्शन नहीं करूंगा तो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अभी हुआ क्या क्या कारण हुआ ये योग समाधि में वही बैठ गए। बैठने के बाद तो भगवान क्या करेंगे विचार अभी जो अन्न जल भी नहीं देते फिर भी उनको स्वप्न में दिया बोले तुझे मैं बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगा। तो ये पूछ रहे कि प्रभु तुम क्या हुआ क्यों दर्शन नहीं दोगे। बोल की तू कोई साधन नहीं है तुरा क्या जन्म पहले पूर्व जन्म में तू क्या था पता है। बोले क्या था प्रभु। बोले द्वापर युग में जब इस प्रकार महाभारत युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया कि मैं मुझे अस्त्र पकड़ा के ही रहेंगे तो उस समय मैं तो अस्त्र धारण कर लिया मेरा भक्त की संकल्प रक्षा करने के लिए। अरे मैं मेरा भक्त के लिए मेरा संकल्प त्याग कर लिया उस समय भीष्म पितामह तो बड़ा प्रसन्न हो गए किंतु ये क्या कर रहा था जो युद्ध के समय में ना एक ढोलक बजा रहे थे उनका ये सेवा था वहां मतलब जो योद्धा थे उनके अंदर वीरता को प्रकाशित करने के लिए क्या करता था ढोलक बजा रहा था। जब भगवान हार गए और भक्त जीत गए ये महाराज जी बैठा था ढोलक बजाते बजाते और इसको प्रसन्न हो गया भगवान हार गए ये क्या किया अरे छलांग लगा के 2 बार क्या किया जोर जोर में पीट दिया। अरे भगवान तो हार रहे थे अभी वही बात को देख रहे अरे हार रहे हमें ये क्या कर रहा है उल्टा कुछ हो रहा है मेरे सामने। तो इसलिए क्या हुआ भगवान को उस समय बड़ा थोड़ा लगे तो अच्छा ये मुझे क्या कर रहा है गुस्सा दिला रहा है वही बात भगवान की स्मरण है और वही ढोलक वाला अभी दंडवत के रूप में जन्म ले गया भगवान के दर्शन करने के लिए आया है। भगवान बोले तुझे कभी दर्शन नहीं दूंगा अभी भक्त कितना कष्ट करते करते आया है। बोले की बाप अरे वाह अरे इतने दिन समय बीत गया वही बात अभी तो तुम्हारा विस्मरण नहीं हुआ इसलिए दर्शन देने जाते। अरे प्रभु दर्शन ना आता तो कुछ बात नहीं अरे मेरा तो स्मरण रखे हो बड़े बात मैं जरूर आपका दर्शन नहीं कर ये जो दर्शन हो गया ये तो वास्तव दर्शन हो गया चाहे मैं आपको दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ आप तो मुझे दिव्य नंदन हो तब से आज तक यही मेरा स्मरण रखो यही मेरे लिए बड़े बात। तो इसी प्रकार स्थिति में वहां भक्त भगवान की विजय होता है।
तो यहाँ भी वैसा भक्त की क्या इच्छा ना भगवान के दर्शन करना और भगवान चाहते नहीं कि दर्शन देने के लिए। अभी नित्यानंद प्रभु ने बोली प्रभु जो अनुरागी भक्त होते वो अगर इष्ट प्राप्ति ना होता है तो क्या करते हैं ना प्राण त्याग कर देते हैं। प्रभु उदाहरण और किसका क्यों दे, ये द्विजो पत्नियों की बात देखो, कुछ लोग तो आगे कृष्ण के दर्शन करने के लिए और कुछ लोग रह गए जिनका पति ने बाधा सृष्टि किए, अपने आप कृष्ण की चिंतन करते करते विरह अग्नि में क्या हो गए वही अंग में उनके भागवत प्राप्ति हुआ। तो इस प्रकार हम फिर आपको श्रवण करेंगे। वृंदावन बोले वृंदावन नाली आपके बड़ोद में एक व्यक्ति निकल गया है जो त्यागी होकर के भगवान की भजन करने का एक व्यक्ति निकला है। तस्मै श्री गुरुवे श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे सर्वकृत चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिला भक्ति विदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं शिला भक्ति तिरुरूप के गांधी गोस्वामी परम गुरु महाराज के चरणों में भी अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उनसे भी अहिंदुकी की वाचा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु वृंद और समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में तिलक यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज जी के अनुगत्य में सब लोग क्या कर रहे हैं, हरिकथा श्रवण कर रहे हैं। देखो हमारे महाराज जी एक बात बोलते हैं, पूज्यपाद भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज, महाराज जी बोलते हैं कि किसी मंदिर के किसी मंदिर में क्या है ऐसा कोई नियम नहीं है कि लोग ना आए या किसी को ऐसा मना नहीं है कि आप लोग मंदिर में ना आए, फिर भी क्या है सब लोग आते हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने बोला था कि बड़ौद में कितने लाख लोग हैं, फिर भी हरि कथा कीर्तन इत्यादि के लिए कितने लोग आ रहे हैं, गिने चुने कितने लोग, थोड़े से लोग आ रहे हैं। जो हमारा मंदिर का जो प्रांगण है ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी फुल नहीं हो पा रहा। तो बताते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही क्या है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान के भजन कर पाता है, वही क्या है गुरुकरण कर पाता है। जैसे बताते हैं गुरुदेव क्या है, गुरु तत्व क्या है, देखो भगवान के अंदर जैसे जो प्रेम है, जो भगवान के अंदर प्रेम है उस प्रेम का अगर कोई घनीभूत स्वरूप उसका जो विकार है वो क्या है श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो दया है, जो जीवों के प्रति क्या है दया है करुणा है, उसका एक अगर मूर्तिमंत स्वरूप है वो क्या है, वो है गुरुदेव। तो भगवान की सबसे बड़ी विशेष कृपा क्या है जीवों के ऊपर कि क्या करते हैं हमारे लिए ग्रंथ को क्या क्या किया है प्रकाशित करा दिया, हमारे लिए ग्रंथ दिए और क्या किया है हमें गुरु की प्राप्ति कराई है। तो बताते हैं कि अगर एक छोटा अगर हम संसार में अगर एक छोटा सा फोन भी खरीदने जाए तो उसके बॉक्स में अगर आप देखोगे तो क्या होता है एक मैनुअल गाइड होती है ना, हाउ टू यूज, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपको चलाना है, कैसे लोग प्रेस करोगे, ये इसके जो फंक्शन है काम करेगा। अब भगवान ने हमारे जीवन हमें मनुष्य दे दिया है तो उसका कोई नियम कानून नहीं है, है नहीं है। इसी प्रकार गीता में क्या बोलते हैं या शास्त्र विधि कुछ सर दे वर्तित काम चाहता ना सिद्धि ना सुखम ना पराम गति। भगवान ने गीता में बोला है कि हम लोग दुखी क्यों है, ये जो हमें ताप इत्यादि मिल रहे हैं संसार में हमें जो कष्ट मिल रहा है इसका कारण क्या है। भगवान ने मात्र गीता के एक श्लोक के माध्यम से सारा का सारा जो एसेंस है सारा सारा हमें दे दिया। हम लोग अपना आपको बोलते हैं हम कौन है, हम हिंदू है, पर हमें गीता का एक श्लोक याद नहीं है। श्लोक तो छोड़ो हमें ये तक नहीं पता है कि गीता के अंदर कितने श्लोक है, फिर जो श्लोक को याद करना वो तो भाई बात हो गई।
है ना। तो उसी प्रकार बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को परित्याग करके क्या कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार अपने जीवन को चलायमान कर रहा है, इच्छा कर रही है आज नॉनवेज खाए तो क्या कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, ड्रिंक की इच्छा कर रही है शराब इत्यादि पी रहा है। तो जो अपने शास्त्र की विधि का परित्याग करके क्या कर रहा है, अपने मन के अनुसार क्या कर रहा है, चल रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं न सिद्धिम न सुखम, उसके जीवन में क्या है, जो उसकी बनने की इच्छा है वो नहीं बन पाएगा, न सुखम उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख भी नहीं है, और पराम गतिम मरने के बाद कहाँ हो जाएगा, बोलो जाएगा नरक में जाएगा। तो उसी प्रकार बताते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर एक बड़ी विशेष कृपा है, क्या, हमारे लिए शास्त्र को प्रकाशित करना और क्या करना, गुरु को यहाँ पे भेजना। क्यों, क्योंकि गुरुदेव क्या क्या करते हैं, हमें आचरण करके दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जैसे हरिभक्ति विलास में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य मेदत पशु की नारायण धर्मो देशा अधिक विशेष धर्मो ही ना पशु की नारायण, कि जो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना डिफेंडिंग करना अपनी आत्मरक्षा करना ही क्या है, कि तो जानवर करके क्या कर सके, अपने जीवन को धन्य कर सके। जिस प्रकार बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम फलभम सुकल्पम गुरु कर्ण धर्म मयानुकूल ये बता रहे हैं कि भगवान की सबसे बड़ी हमारे ऊपर क्या कृपा हुई है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य जीवन है शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हम एक जीवन में इतना पाप हम लोग कर देते हैं मन के द्वारा, तन के द्वारा, वचन के द्वारा, कि अगर भगवान उस पाप को भोग कराए ना तो 84 लाख योनियां जो है ना, अलग अलग जो योनियां है, कुत्ता बिल्ली पशु इत्यादि, वो क्या है, वो भी कम पड़ जाए। पर भगवान की हमारे ऊपर क्या क्या दया है कि भगवान बीच बीच में क्या करते हैं, हमें मनुष्य जीवन दे देते हैं, ताकि हम क्या करें, भगवान का भजन करके अपने उन जो पापों को काट के क्या करें, भगवान के पास हम चले जाए। ठीक है, इतने बोल के मैं अपनी हरे कृष्ण। अज्ञात विनन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों के मुंह में दर्द नहीं हो रहा है वो थोड़ा और जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमारादतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री गुरु गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति अर्पण करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में रहे प्रणाम। हम श्रीमद् भागवतम जो श्रवण करते हैं प्रायः सप्ताह परायण ही श्रवण करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ विशेष प्रसंगों को लेकर और उस पर चर्चा होती है, है ना। भागवत द्वादश स्कंद है, 12 स्कंद है ना, तो भागवत में द्वादश स्कंद और 18,000 श्लोक, तो इन द्वादश स्कंद के अंदर अलग अलग लक्षण है। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है, 10 लक्षण कौन कौन से कोई जानते हैं, 10 लक्षण भागवत के, 10 लक्षण भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण बुद्धि मनमंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण बताए गए हैं और अलग अलग स्कंद में ये अलग अलग लक्षण का वर्णन किया गया। लक्षण मतलब समझते हैं ना, सिम्टम, लक्षण, तो इन लक्षणों के माध्यम से भागवत के अंदर कथाएं हैं। जो भागवत का 6th स्कंद है उसका लक्षण है पोषण, पोषण मतलब साधारणतः पोषण का क्या मतलब होता है, लालन पालन करना, पोषण है ना। तो भागवतम किस प्रकार, भागवतम के 6th स्कंद के अंदर विशेष करके वर्णन आता है अजामिल के प्रसंग का,
वृत्रासुर के प्रसंग का, है ना। तो इन दोनों कथाओं के माध्यम से भागवतम के अंदर बताया है कि किस प्रकार भगवत नाम, भगवान का नाम कितना बलशाली है, कितना बलवान है, वो किस प्रकार जीव को पोषण प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अजामिल का आप लोगों ने मोटा मोटी सुनाई होगा, अजामिल कितना पापी था, पूरे जीवन भर पाप कर्म किए, लेकिन अंतिम समय पर केवल मात्र भगवान का नाम नारायण उच्चारण कर दिया, तो उस नाम उच्चारण करने से भी क्या हो गया, उसको सदगति हो गई, भगवत भजन करने का फिर एक मौका मिल गया। उसी प्रकार भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, वो किस प्रकार सभी को पोषण प्रदान करता है, पालन करता है, ये वर्णन है षष्ठ स्कंध में। उसी में ही आता है श्री वृत्रासुर का प्रसंग, हम लोग होगा तो उसको श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। ये जो वृत्रासुर है, भगवान ने जब सृष्टि करने का आदेश दिया था उस समय पर दक्ष प्रजापति ने सृष्टि करना चालू किया, 10,000 पुत्रों की सृष्टि करी, नारद जी के पास पढ़ने को भेजा था, आप लोगों को सुना होगा किस प्रकार नारद जी ने सभी को साधु बना दिया, फिर वापस सृष्टि करी, फिर वापस साधु बना दिया, तो इस समय पर उन्होंने क्या किया, 60,000 कन्याओं को जन्म दिया और ये कन्याओं को अलग अलग जगह विवाह दिया। तो उन कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह, कन्याओं को देखो पुरुष, सबसे पहले उन्होंने पुरुष को जन्म दिया था, जब बच्चों को जन्म दिया था वहां पर नारद जी ने उनको साधु बना दिया। तो उस समय पर देखो क्योंकि कन्या जो स्त्री है, स्त्री है सृष्टि का मूल, आप लोग सब जैसे प्राय देखो यहाँ पर संख्याएं माताओं की ज्यादा है, एक स्त्री जिस तरह से घर परिवार को पालन करती, जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ छत स्त्री से ही होता है, स्त्री अगर ना हो तो कभी सृष्टि हो नहीं सकती, जो मनु महाराज और शत्रुपा है ना, जैसे जहां से सृष्टि आरंभ हुई है, स्त्री की सृष्टि जब तक नहीं हो तब तक यहाँ पर सृष्टि नहीं हो सकती। तो भगवान ने वहां पर क्या किया, दक्ष प्रजापति ने स्त्री की सृष्टि करी और उसमें से 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि उन्हीं की एक पत्नी थी अदिति, अदिति ने 12 आदित्य उनको जन्म दिया, उनमें से एक है त्वष्टा ऋषि। मैंने जो अब तक बोला समझ में आया, सृष्टि जो दक्ष प्रजापति ने कन्याओं को जन्म दिया, कन्याओं में से 13 विवाह हुई किसको, कश्यप ऋषि को, उसमें से एक थी अदिति ने कितने बच्चों को जन्म दिया, 12 द्वादश आदित्य, उन द्वादश आदित्य में से एक है त्वष्टा ऋषि। भागवतम के अंदर ये जो वृत्रासुर की कथा है ये इस प्रकार वर्णन आता है कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। देवताओं ने क्या किया, जब देवता स्वर्ग के अंदर कभी विहार कर रहे थे, मद खाकर सोमरस का पान करते हुए जब अप्सरिया वहां पर नृत्य कर रही थी, किसी समय पर गुरुजी वहां पर आए, उनके गुरुजी कौन है, बृहस्पति जी वहां पर आए स्वर्ग के अंदर। अभी वहां पर तो सभा चल रही थी, सब नृत्य गान हो रहा था, इंद्र तो सब सभा देखने में आनंद में था, नृत्य देखने में। तो जब वहां पर गुरुजी आए, जब बृहस्पति जी आए, उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा नहीं, गुरुजी को सम्मान नहीं दिया। नियम क्या है, बोले गुरुजी अगर आए हैं, जितने भी जरूरी काम हम क्यों ना कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के और गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, उनका स्वागत के लिए बाहर जाना चाहिए। यहां तक की वर्णन है कोई पुजारी ठाकुर का अर्चन भी क्यों ना कर रहा हो, अर्चन छोड़ के, अर्चन के बीच में उठते नहीं है, लेकिन अर्चन भी छोड़कर और गुरुजी का स्वागत करना चाहिए, गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन इंद्र के मन में यहाँ पर क्या हुआ, बोले इंद्र के मन में विचार आ रहा है, हम कहा यहाँ पर आराम से आनंद ले रहे थे और गुरुजी आ गए, अब गुरुजी आ गए तो क्या करना पड़ेगा, अपने सिंहासन खाली करना पड़ेगा, गुरुजी को सिंहासन देना पड़ेगा, उनको चरण धोने पड़ेंगे, माला देनी पड़ेगी, कहा हमारे रंग में भंग डालने आ गए। तो इसीलिए इंद्र ने क्या किया, गुरुजी की तरफ देखा नहीं, गुरुदेव को इग्नोर कर दिया। अभी गुरुदेव तो सब जानते हैं, उस समय पर बृहस्पति जी वहां से रुष्ट होकर चले गए। लेकिन शास्त्र वर्णन करता है कि अगर गुरु की अवज्ञा करी, गुरु का अपमान किया, कमल पुष्प देखा है ना, कमल पुष्प देखा है, कमल रात में खिलता है, दिन में, रात में, दिन में, सूर्य की किरणें जब कमल के ऊपर पड़ती है तो उससे विकसित होता है। शास्त्र कहते हैं नारायणम अपि विकृतम विद्यापि गुरुर प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलाद्वितम शोष्यति रविर्न पोष्यति। क्या अर्थ हुआ, बोले कमल पुष्प सूर्य की किरणों से प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है ना। अभी क्या करो, उस कमल को तोड़ दो और अब उसको धूप में रखो, अब क्या होगा, विकसित रहेगा, विकसित रहेगा, वही सूर्य की किरणें उस कमल पुष्प को क्या करेगी, शोषण करते करते उसको पूरा सुखा देगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कमल पुष्प ने जल का संघ छोड़ दिया, जब तक पानी में था
तब तक सूरज भी उसको विकसित कर रहा था। यहीं पर पानी से अलग हो गया तो क्या हुआ, वही सूर्य उसका शोषण कर रहा है, उसको मार दिया, सुखा दिया पूरा। ठीक उसी प्रकार जब तक एक शिष्य गुरुदेव के अनुगत्य में रहता है, गुरुदेव के चरणाश्रित रहता है, हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बता रहे उदाहरण के माध्यम से कि जब तक एक शिष्य गुरु के चरणाश्रित रहता है, उनके शरणागत में रहता है, उनके अनुगत्य में चलता है, तब तक तो क्या होता है, भगवान भी उसे सहायता करते हैं, भगवान भी पोषण करते हैं। लेकिन वही शिष्य अगर गुरु का शरणागत छोड़ दे, उनकी शरणागति छोड़ दे, तो क्या होगा, भगवान भी उसका साथ नहीं देते, भगवान भी उसके विपरीत हो जाते हैं। आज जब इंद्र ने गुरुदेव की अवज्ञा करी, उनका असम्मान किया, तो क्या हुआ, वहीं पर जो असुरों का बल बढ़ गया, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां से देवताओं को खदेड़ के भगा दिया। इसलिए सावधान होकर जो लोग गुरु चरण आश्रय लिए हैं, गुरुदेव को किस प्रकार सेवा पूजा परिचर्या करनी चाहिए, इसका ठीक ठीक रूप में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना। गुरु की अवज्ञा कभी ना हो, गुरु जो हमें आदेश दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए, गुरुदेव कभी मठ में आ रहे हैं मंदिर में, क्योंकि ये देखो साधारण, ये इसको बोलते हैं एटिकेट्स, शिष्टाचार। गुरुदेव या फिर बड़े वैष्णव मानो आ रहे हैं हमारे यहाँ पर मंदिर में, आकर अगर संभव हो तो उनका स्वागत के लिए आना चाहिए। गुरुदेव कभी हमारे घर पर गए हैं तो घर के बाहर निकल उनका स्वागत करना चाहिए, ये सारा शिष्टाचार, इसको वैष्णव शिष्टाचार बोलते हैं। गुरुदेव मानो कहीं जा रहे हैं तो उनको सी ऑफ करने के लिए, उनको विदा करने के लिए जाना चाहिए, ये शिष्टाचार है। आज गुरुदेव की अवज्ञा कर दी इंद्र ने, तो उसके क्या हो रहा है, वहां पर उनकी बलहीन हो गए, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां से उनको खदेड़ के भगा दिया। अभी दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया हम क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अभी, क्योंकि गुरुदेव तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप त्वष्टा ऋषि को पुरोहित बना लो। त्वष्टा ऋषि कौन है, त्वष्टा ऋषि कौन है, अदिति के पुत्र है त्वष्टा ऋषि और उनके पुत्र है विश्वरूप। तो उन्होंने कहा कि आप विश्वरूप को पुरोहित बना लो और विश्वरूप को पुरोहित बनाकर नारायण कवच की शिक्षा दे। अभी उन्होंने ऐसा ही किया, नारायण कवच की शिक्षा लेने के लिए विश्वरूप को पुरोहित बना दिया और पुरोहित बनाकर वहां पर जब यज्ञ हो रहा था, ये विश्वरूप जो है इनकी माता असुर कुल से है, तो इन्होंने क्या किया, देवताओं के नाम की जब आहुति दे रहे थे तो देवताओं के नाम की आहुति देते देते उन्होंने क्या किया, दैत्यों के नाम की भी आहुति दी यज्ञ में। अभी क्योंकि नारायण कवच क्या है, नारायण कवच का साधारण रूप में अगर समझो भगवान नारायण कवच का, कि प्रत्येक सर्वत्र नारायण विद्यमान है ना, क्योंकि विश्वरूप को तो इस बात की अनुभूति थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, सर्वत्र नारायण रूप दर्शन करते हुए देवताओं के नाम की आहुति भी दी और दैत्यों के नाम की भी आहुति दी। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है देवताओं के अंदर भी, तो उनको इस चीज की अनुभूति है, इसीलिए उन्होंने दैत्यों के नाम की भी आहुति दी। इंद्र ने जब ये चीज देखी वो तो रुष्ट हो गया और रुष्ट होकर उन्होंने क्या किया, विश्वरूप को गला काट दिया। उनके तीन सर थे, एक से सोमरस पान करते थे, एक से मद पान करते थे, इस तरह से उनके तीन सर थे, उनके सर काट दिया। और सर काट दिया तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या लगी, वो ब्राह्मण हत्या उन्होंने चार जगह पर फिर पाटी है। बाद में क्या होता है, उनके पिताजी त्वष्टा ऋषि वो क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया, उन्होंने इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। और उसी इंद्र, इंद्र शत्रु जहां से उत्पन्न हुआ, ऐसे यज्ञ किया और उसी यज्ञ से वृत्रासुर का जन्म होता है, वहीं से प्रकट होते हैं ये वृत्रासुर। यद्यपि असुर है लेकिन इनकी स्तुति, इन्होंने चार श्लोकों में जो स्तुति करी है वो वैष्णव का कंठहार है, इतनी सर्वश्रेष्ठ स्तुति करी है, उनको सभी लोग चेष्टा करना उसको मुखस्थ करने की, हम होगा तो कल उस चीज को श्रवण करेंगे, उन्होंने किस प्रकार चार श्लोकों में स्तुति करी है। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सौहार्द गुरु
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग गर्वत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे ये ब्रह्मांड को भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सदगुरु व संतों का दर्शन मिलता है। जब संतों का दर्शन मिलता है जो हमें गुरुदेव जो मंत्र दिया है जैसे गोपाल मंत्र काम गायत्री हरिनाम ये क्या है, हमारी हृदय एक खेती है, हृदय एक जमीन है। उन्होंने मंत्र नहीं दिया, उसमें कृष्ण नाम रूपी बीज को उन्होंने बो दिया। जब बीज बो दिया अभी हम हो गए माली। माली का क्या काम है, टाइम टाइम से पानी दे और उसको बाढ़ बना दे, जैसे कोई बकरी और कोई गैया आकर के खेती को खराब नहीं करते। इसलिए गतकल हम श्रवण कर रहे थे कभी ये जो बकरी जो गैया आकर खा जाता है ये क्या है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जिनको भगवत भक्ति राज्य में बैठना है उनको छह चीज से सावधान रहनी चाहिए। कितने चीजों से, क्या क्या बोलो। कल क्या मैंने बताया था, पहला नंबर अत्याहार। अत्याहार का मतलब है प्रयोजन से ज्यादा संग्रह नहीं करनी चाहिए। दूसरा है प्रयास, मतलब भगवान की भक्ति के सिवाय और किसी चीज में चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तीसरा चीज लोभ नहीं करनी चाहिए हैं? इसलिए अत्याहार प्रयास सब प्रजल्प। प्रजल्प मतलब होता है भगवान की कथाओं को छोड़ करके दूसरी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। नियमाग्रह मतलब होता है उतना नियम बनाओ जितना नियम से प्रभु का भजन कर सकते। इसलिए कभी नियम के त्याग करना बन चाहता नियम में आग्रह नहीं करनी चाहिए। कभी इतना नियम में हम बंध गए जो असली चीज भगवान की भक्ति का नियम ही छोड़ दिया है। इसलिए और असत संग से हमें दूर रहनी चाहिए और संग त्यागात सत्व वृत्ति अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जना संघर्ष लोलन चरवृत्ति। इसलिए जनसंघ से मतलब है भगवान का भक्तों का संग छोड़ करके उल्टा पुल्टा व्यक्तियों का संग हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे संगत में बैठो जिस संगत में बैठने पर तुम्हारी भक्ति बढ़े। ऐसे संगत में मत बैठो अरे कटी बैठने से क्या होता है, कटी पर से भगवान मिल जाएंगे। ये तिलक लगाने से क्या होता है, तिलक क्या भगवान मिल जाएंगे। हरिनाम करने से क्या होता है, हरिनाम से क्या भगवान मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे कुछ लोग हैं जो भड़काने वाले लोग हैं, जो भड़काने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे हमें दूर रहनी चाहिए। वैष्णव जगत में तीन चीज को तो पक्की रखना, पहला नंबर है गले में तुलसी की कट्टी, दूसरे नंबर है तिलक और तीसरे नंबर है भगवान की नाम। एक का पासपोर्ट, दूसरा वीजा और एक टिकट। अगर तीन चीज तुम्हारी सही रहा ना तो अनायास में संसार से तुम पार हो जाओ। इसलिए गले में तुलसी कंठी के बगैर कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी हठात तुम्हारी मृत्यु हो गई सीधा नरक के सिवा तुम्हारे कोई स्थान नहीं। इसलिए गले से जब गुरु जी से कंठी धारण किया गुरु जी कहते थे अगर किसी कारण से कंठी उतर जाती है गुरु जी कहते थे जब तक दो बार कंठी नहीं पहनो तब तक पानी नहीं पीनी चाहिए।
क्योंकि हम जो कुछ जो ग्रहण करते हैं जैसे पीते हैं खाते हैं गले में कटती है इसमें टच करते हुए अंदर में जाती है। कोई बोली बोलो वो भी पवित्र बन करके वो भी निकलती है। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं लला देती लकम नास्ती करते नास्ती करती कहते किसको किसको नरक में ले आओगी बोले जिसकी तिलक है नहीं गले में कटती नहीं उन लोगों को मेरे पास में ले आया करना ठीक है ना। कटी तिलक शास्त्र में तो बताया जो उर्ध पुंड्र है वे उर्ध पुंड्र धर्मत मृियते चत्र पुत्र जी भगवान खुद कहते अगर ये तिलक धारणा करते हुए कहीं भी तुम्हारी मृत्यु होगा बोले स्वपाक अभी वो चंडाल क्यों नहीं हो मम लोक मियते वो मेरे पास में आ जाए वो मेरे पास में आ जाएंगे अगर तुम्हारी ललाट में तिलक है। इसलिए कहते हैं शंकर चक्र उर्ध पुंड्रम जो शंकर चक्र पद्मक चिन्ह है कहते लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवेत देहे जस्य पद्माकित जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं कहते उसके शरीर में कौन बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा उसको शरीर में नित्य तस्य भवेत दे उसको शरीर में सब के सब निवास करते हैं और गया गंगा कुरुक्षेत्र के जितना नदी निवास करते हैं। इसलिए कभी गले से कंठे नहीं उतरनी चाहिए कभी ललाट से तिलक भी कभी नहीं मिलनी ये चीज को पकी रखो और प्रभु का नाम तो करनी चाहिए यही तो टिकट है अंतिम समय में तो यही काम में आएगा यही काम में आएगा और तो कोई काम में नहीं है। एक छोटी स्टोरी सुन लो ध्यान देकर स्टोरी सब याद कर ली सबको बोल रहे जो प्रचार करता तो एक समय दो पति पत्नी थे दो पति पत्नी जो पत्नी बड़ी पति करता पति को रोज चरण धोकर चरणा पति के लिए सज्जा बनाना पति जब सोए उनकी चरण की सेवा करना पति के लिए रोसोई बना करके पास में बैठ करके गर्म गर्म रोटी खिलाता और उसको हवा करना है बहुत पतिव्रता नारी पति से पहले उठ जाए हैं बड़ी पतिव्रता नारी दोनों पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। एक समय पति कहीं बाहर गए हुए इतने में नारद जी आए कौन आए नारद जी तो उन्हें नारद जी को भोजन करके खिलाया जब नारद जी भोजन कर लिया इतने में नारद जी जब उसको देखा है ना देखा उसको लगा कि तिलक भी नहीं और गले में तुलसी की कंठी भी नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं है जो तिलक नहीं लगाते हैं उसको हाथ की भोजन करने से तुम्हारे धर्म कर्म सब नष्ट हो जाए सारे धर्म कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो वैष्णव लोग उसी व्यक्ति को घर में भोजन करते हैं जिस गले में तुलसी कटी और तिलक लगाए हो उसी व्यक्ति का ही वस्तु सत्य लोग ग्रहण करते तो ग्रहण नहीं करते हैं। इतने में क्योंकि शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले कृष्ण दीक्षा बिना जे कभी जो कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है तो पार्वती को कह रहे हैं बोले पार्वती गुरु दीक्षा बिना जे जो गुरु जिसे कंठी और माला धारण नहीं किया वामर कहते हैं पशु जो नीम अपनवार कहते अगले जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा शंकर पार्वती को कह रहे हैं और उसका जितने क्रिया है वो सबके सब नष्ट हो जाता है। नारद का तो ललाट में तिलक नहीं गले में तुलसी कटी नहीं बोले एक अवैष्णव का हाथ में मैंने भोजन कर लिया मेरा धर्म कर्म सब नष्ट हो गया उसको सामने उन्होंने उल्टी कर दी क्या कर दिया उल्टी कर दिया बोले तुम्हारी हाथ का भोजन से मेरा धर्म कर्म नष्ट हो गया क्यों गले में कटती और तू तिलक धारण नहीं सब उल्टी कर दी। इतने में तो वो स्त्री बड़ी दुखी हो गई बोले आज घर में संत आए इतने कष्ट से मैंने भोजन बनाए और उन्होंने खा कर उल्टी कर दिया दूर लग गया कि नहीं बड़ी दुखी हो गई बोले बाबा हमें क्या करनी चाहिए बोले जब तक तुम कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं होगे हम तुम्हारे हाथ को भजन नहीं करेंगे तब तक तुम पवित्र नहीं और अगले जीवन में तुमको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा पशु जीवन प्राप्त हो बोले बाबा दीक्षा मंत्र दो हमें जल्दी दीक्षा मंत्र दो तो उन्होंने उनको दीक्षा मंत्र गले में कंठी तिलक माला दिए फिर उन्होंने भोजन बनाया फिर उन्होंने ठाकुर का अर्पण करके उन्होंने फिर उन्होंने भोजन किया
भजन करके बोले गुरुदेव कुछ उपदेश है, गुरुदेव बैठी एक काम करियो, जो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं है, जिनके गले में कंठी और तिलक धारण नहीं करती है, उनसे दूर रहे, उनसे दूर रहे। अगर कोई जरूरत होगा ना मेरे को याद करना, मैं आ जाऊ। गुरु जी चले गए, जब चले गए इतने में पति देव आए, जब पति देव आते थे उनके चरण में धोकर पानी पीता था, हैं पास में बैठ कर भोजन कराया करता था। जब उसको पति देव आए ना, बोले दूर रहो, मेरे पास में नहीं आते। अब जो चरण में जो पानी देते थे ना, दूर से फेंक कर मुझे पानी दिए, आप उसको बोले मेरे घर में एक साथ नहीं सो सकते, दूसरे घर में सो, दूसरे घर में सो। गुरु जी मेरे को दीक्षा मंत्र दिए, गुरु जी बोले इसका दीक्षा मंत्र नहीं, इसको दूर रखना, दूर में रहना, आपको पास में और मैं सो नहीं सकती हूँ। और जो रोसी बना के जो थाला में जो देती है ना, उसको फेंक कर, ऐसे उसको फेंक करके देती, उसको पास में नहीं जाती। बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले मेरे पत्नी इतने पति मतलब स्त्री थी, इतने मेरी सेवा पूजा करती थी, नारद जी ने क्या सिखा दिया, गले में कंठी तिलक लगा करके क्या मंत्र दिया, बोले जो भक्ति नहीं कर सकते दूर से रहो। इतने में उसने बोली ये बताओ तुम्हारे गुरु जी कौन है, बोले नारद जी, बोले उनको बुला सकते हो, बोले हाँ गुरु जी अभी मेरे को बोले, कब जरूरत हो तो मेरे को बुलाना, मैं आ जाऊंगा। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव मेरे पति पर मैं भी कृपा करो, मेरे पति भी मिलना चाहते, कृपा करके आओ। इतना बोलते ना नारद झट प्रकट हो, एकदम झट नारद प्रकट हो गए, कितना चमत्कार का नमस्कार कहते ना। जब उन्होंने देखा भाई याद करते गुरुदेव, लो भैया कुछ दम नहीं थी, कुछ ताकत है। बोले क्या बेटी क्या चाहिए, बोले मेरे शिष्य मेरे पति को भी आप कृष्ण मंत्र में दिखा दो, गले में कंठी तिलक दो। बोले ठीक है बेटा एक काम कर जाओ, स्नान करके आओ। जब वो स्नान करने के लिए गए, उनको यार दोस्त है, बोले तू तो थोड़ी देर पहले अभी भी तो स्नान कर गया था, फिर दो बार क्यों स्नान करने आया। बोले गुरु जी बोले मेरे को दीक्षा मंत्र देंगे, बोले स्नान करके आओ। आप देखना जगत में बहुत ऐसे प्रपंची लोग हैं, गंदे काम के लिए तो रास्ता दिखा सकते, लेकिन अच्छे काम के लिए जाओ ना, इतने बाधा विपत्ति। कुछ प्रपंची लोग थे, बोले अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी तुम का हरिनाम दीक्षा लेने क्या जरूरत, तू रुक जा, अभी क्या जरूरत दीक्षा मंत्र लेने का, तू रुक जा ना। क्यों, वो जानते हैं अगर ये कृष्ण मंत्र में दीक्षा ले लेगा, फिर हमारे साथ में जो हम एक साथ में जो आटा मारते हैं, हैं हाँ जो करते हैं, ये हमारे साथ से दूर रहेगा। ले अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी क्या भजन करोगे। आप देखना जगत में तोड़ने वाले बहुत लोग, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम है, जोड़ने वाले बहुत कम, तोड़ने वाले बहुत व्यक्ति है। खूब मंत्रणा करने वाले तो सारी तरफ में चार ही तरफ से गिरे हुए है, लेकिन अच्छे मार्ग में ले जाना व्यक्ति बहुत कम है। ले रुक जा, अभी क्या दीक्षा मंत्र लोगे, कुछ दिन बाद में ले लो ना, इतने जल्दी का क्या जरूरत है। उसको दिमाग ऐसे घुमा दिया ना, आकर बोले गुरुदेव कुछ दिन बाद में लूंगा, कुछ दिन बाद में लूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु हुई, दोनों को मृत्यु होने पर उसका पत्नी ने तो दीक्षा मंत्र ली थी, उसने विदर्भ देश का जो राजा का बेटी राजकुमारी बनकर के जन्म हुई, और बड़ी भक्तिमती और इतने सुंदरी देखने में थी, मिस यूनिवर्स जैसे थी, सारा दुनिया भी उसको पाने के लिए तरस थे। क्योंकि जो भक्ति है ना, ये कभी घट करके घटती नहीं, इसलिए कहते ना दीना दीना बड़ा तसवायो पायो जी मैंने राम रतन भगवान की भक्ति आप लोग जो कर रहे हो, अगले जीवन में उतना नहीं, दीन दीन स्वभाव स्वभाव गुण बढ़कर प्रकट होती है। और भक्ति की बड़ी भक्तिमती, भगवान की सेवा पूजा में बड़ी मन है, ठाकुर का भक्ति में है बड़ी मन है, और बड़ी सुंदरी होकर के जन्म ग्रहण की अभी तो बेटी हो गई, बड़ी स्वयं पर सभा हुई, बड़े बड़े राजा जिसको पाना चाहते थे, बड़े बड़े राजा वहां पर एकत्रित हो गए, एकत्रित हो, लेकिन उसका पति ने तो दीक्षा मंत्र नहीं लिया। शंकर जी कहते ना पार्वती को जो दीक्षा मंत्र नहीं लेते हैं, पशु योनि अपवाद, वो दूसरे जीवन में उसी देश में वो राजा के घर में वो हाथी बनकर जन्म लिया। क्या बनकर जन्म लिया? हाथी। हाथी जन्म को उसने प्राप्त किया है।
अभी स्वयंवर सभा होगी, वो बेटी वरमाला लेकर के जा रही, जो सबसे सुंदर उसको गले में देगा। लेकिन पहले उसने भक्ति की, उसका संस्कार है, हठात उसने सामने देखा वो हाथी, क्योंकि राजा की वहां पर हाथी रूप में लिया, वो हाथी को देखकर पहचान गया ये तो मेरी पत्नी है। पूर्व जन्म में उसने गुरु जी की दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते उसको ये हाथी जन्म प्राप्त हुआ है। वो माला वो अपना किसी राजकुमार गला में क्या डालेगी, उसने सीधा लेकर माला वो हाथी को गले पर, हाथी के गले पर पहना दिया। जब पहना दिया लोगों ने बोले, लोग जोर राजकुमार लोग हम इतने सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे हुए कोई पसंद नहीं आया, पसंद आए तो हाथी को अलग माला दी। उनसे पूछे पिताजी ने, राजा ने बोले बेटी तुमने ऐसे क्यों की, बोले पिताजी पूर्व जन्म में ये मेरे पति थे, नारद जी जो कृपा करके मेरे को दीक्षा मंत्र दिए, गले में कंठी तिलक माला दी, मैं भजन किया इसलिए मैं राजकुमार बनकर जन्म होगी, लेकिन किसी असत संग से इसका बुद्धि मत बदल गई, इसलिए उसने दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करने का नाते इसी जीवन में उनका ये पशु जन्म प्राप्त हुआ, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी। बोले बेटी अभी क्या होगा, तुमने हाथी हाथी गले में माला दिया। बोले पिताजी मेरे गुरुदेव बोले थे अगर कभी जरूरत हो ना मेरे को बुलाना, मैं कृपा करूंगा। बोले बुलाओ। तो उन्होंने गुरु जी को स्मरण किया, नारद जी को, नारद जी को स्मरण करते नारद झट वहां प्रकट हो गए, नारद जी झट वहां प्रकट हो गए। बोले बेटी क्या बात है, बोले गुरुदेव ये पूर्व जन्म में दीक्षा मंत्र लेने के लिए असत संग से बुद्धि फैर गया इसलिए ये हाथी जब को प्राप्त किया है, मेरे गुरु जी को पर मेरे पति को पर भी कृपा करो। तब नारद जी सर पर हाथ रखे और हाथ रखते झट उसने बड़े सुंदर राजकुमार बन गया, बड़े सुंदर राजकुमार बन गया। फिर उन्हें झट गुरु जी के चरण में गिर, बोले गुरु जी और देर नहीं, कल कर सो आज करो और आज कर सो आप, इसलिए पल में प्रलय होगी की बहुरी रहेगी। कब गुरुदेव हमें जल्दी जल्दी दीक्षा मंत्र दो, और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बगैर दीक्षा मंत्र से अगर ले लिया पर मर करके अगले जीवन में फिर जानवर, पता नहीं इस बार तो राजा घर में हाथी मर करके जन्म ले लिया, अगर किसी जानवर जन्म में जंगल में जन्म हो गया तो गया जीवन, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे को दीक्षा मंत्र दो और हम दोनों पति पत्नी भजन करना चाहते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भजन करते हुए उन्होंने भगवान की चरणों को प्राप्त किया, भगवान चरणों को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो गुरु जी से जो दीक्षा मंत्र हमने कहा, इसलिए कहते हैं संग त्यागा, क्या करो असत व्यक्ति की संगत होकर त्याग करो, ऐसे व्यक्ति को पास में बैठो उठो जो व्यक्ति भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की भक्ति की बात करते हैं, प्रभु की भक्ति में हमें जो बढ़ाने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को साथ में मत बैठ जो शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, गंदे गंदे काम करने वाले, ऐसे व्यक्तियों को संग से हमें दूर रहनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, संग त्यागा, असत संग परित्याग करते हुए सत्संग करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए इसको त्याग देनी चाहिए। त्याग देकर क्या करनी चाहिए, किंतु यदि लतार संग उठे उपसाखा भुक्ति मुक्ति बांधा जो तो असन चाल सका। यहाँ पर कहते हैं जैसे आप कोई पेड़ लगाओ ना, पहले हम सुन रहे थे ना जैसे खेती में धान का वृक्ष होता है, देखना ठीक उसको पास में एकदम धान से भी सुंदर एक पेड़ है, इसका नाम कहते हैं श्यामा गाछ, श्यामा चावल कहते हैं ना, तो देखने से भी उससे भी सुंदर होता है, लेकिन जो असली जो जो, जो जानकार जो खेती जो किसान है ना वो जानता है, जितने भी देखने से भी सुंदर है लेकिन उसको पता है कि मूल वृक्ष नहीं, वो मूल वृक्ष धान के वृक्ष, क्या करते उसको उखाड़ करके फेंक देता है, फेंकेगा नहीं तो फिर क्या होगा, जितने सारे सार मूल वृक्षों को मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलेगा, जो उल्टा पुलटा वृक्ष उसको ढक देगा, अब जो नकली जो वृक्ष बढ़ जाएगी वो असली वृक्ष वहीं पर खत्म हो जाएगी। बोले वो क्या क्या चीज है, वो क्या चीज है, तब उसको यहाँ पर कहते हैं भुक्ति मुक्ति बांछा जब तो असंगति है असंगति लेखा, एक भुक्ति की वासना, एक मुक्ति की वासना,
एक योग वासना, ये बहुत सारी चीज है जो चीज मतलब भक्ति करते हुए अगर हमारे अंदर में भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, योग सिद्धि पाने की इच्छा अगर इच्छा हो गई ना, फिर तो जो असली जो भक्ति का लगाव बढ़ेगी नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, जो दूसरे दूसरे जो इच्छाएं हैं, भक्ति मुक्ति रिद्धि सिद्धि उल्टा पुलटा चीज, हृदय में कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, तो एक इच्छा रहनी चाहिए हम ठाकुर जी को गुरु वैष्णव को कैसे प्रसन्न करे, ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे खुश हो। इसलिए केवल एक इच्छा हृदय में रहनी चाहिए, तभी वो लता क्या होगी, धीरे धीरे लता फिर ऊपर बढ़ते 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 फिर ऊपर जाएगी, फिर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा। ये भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है और योग क्या है, कल हम इसको एक सुंदर कथा हम सुनेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को जी सब चीज समझाते हैं। सनातन गोस्वामी को जो चीज समझाए, ये क्या चीज है, भक्ति लता को जो ठग देती है और भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, वो क्या चीज, फिर हम लोग इस जो गल सुने, ठीक है, अगले बांछा कल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे